एलसी में बहुत जगहों पे दही भल्ले मिलते हैं, लेकिन जो इनका टेस्ट है ना, वो टेस्ट किसी का भी नहीं होता यार। कम से कम बंदा फाल से ही खा ले। तो इस तरह आज हम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज मैं छत पे आ गया हूँ। आज जरा मेरी आंख लेट खुली है, तो 8:15 का टाइम है। पहले मैं सुबह यहाँ पे तकरीबन 6:15 बजे तक आके पानी शानी भर जाता हूँ और जगह चेंज करके रख जाता हूँ। लेकिन अब पानी तो थोड़ा सा पड़ा है, खैर इसे यहाँ से उठा लेते हैं। और ये गर्म हुई पड़ी है, इसको यहाँ से इधर छाँव में रख देते हैं। यहाँ हमने छाँव में रख दी है और बोतल मैं वहाँ से नीचे से ले आया हूँ ठंडे पानी की। खैर अब जाते हैं बाल्टी में, देखते हैं कि कितना पानी पड़ा है। तो ये रही बाल्टी और इसमें पानी पड़ा है वैसे। खैर चलो, इसको हमने उठा लिया, इसको इधर रख लेते हैं और इस पानी को गिरा देते हैं, इसे उठा लेते हैं। तो खैर इसे वहीं लेके जाते हैं। इसके अंदर बाजरी आज हम रखेंगे और उसके अंदर दाने पड़े रहेंगे। अगर प्रिंदा ने बाजरी खाई तो हम बाजरी ही रखेंगे। इसे इसके साथ रख देते हैं, वो छोटी लग रही है, ये बड़ी लग रही है। वहाँ से पानी की बोतल उठा लेते हैं, पहले दोनों में पानी भर लेते हैं। तो पानी डाल लेते हैं, डल जा इसमें भी डल जा। तो खैर इसमें थोड़ा सा कम है, लेकिन पानी इस दोनों में डाल चुका है, तो वो तो हम बाद में भी आगे। और फुल चिल पानी है, इसके अंदर डाल लेते हैं बाजरी। तो खैर बाजरी ये रही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर बाजरी डाल लेते हैं इस तरीके से। थोड़ी सी और डाल लेंगे, ये साइड पे गिर भी गई है। खैर तो खैर हमने बाजरी डाल ली है, थोड़ी सी बाहर गिर गई है और थोड़ी सी ये गिरी पड़ी है। चलो खैर ये तो उड़ जाएगी हवा के साथ। वो दाने पड़े हैं और ये बाजरी वाला पानी पड़ा है और बाजरी पड़ी है। तो खैर ये रख लिया हमने, तो अब हम चलते हैं नीचे, जल्दी से नहाते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर जाते हैं बाज़ार, व्लॉग बनाते हैं कुछ। तो इधर धूप होती है, मैं सुबह 6 बजे आके इधर से उठा के उधर रख जाता हूँ और फिर मैं तकरीबन 3:30-4 बजे आता हूँ, उधर से उठा के फिर इधर बाहर रख के जाता हूँ। तो दो दफ़ा इसमें पानी डलता है। अब जब हम शाम को आएंगे 4:30-1 बजे तक, तो पानी देखेंगे क्या पोजीशन है और परिंदों ने बाजरी खाई या नहीं। तो गर्मी अभी से इतनी तेज़ है जैसे दिन के 12:00-1:00 का टाइम होता है और है अभी 8:15 का टाइम। तो चलते हैं नीचे। फाइनली जी हम इधर टर्बाइन पे आ गए हैं और ये हमने बाल्टी उठा ली है, सामने टर्बाइन चल रही है। आज लाइट ने बहुत ही तंग की है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, सुबह से वीडियो बहुत मुश्किल अपलोड हुई है, लेट हुई है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि लाइट का इशू था। तो खालसों को पानी देने के लिए हम इधर आए क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। इस बाल्टी को लेके जाते हैं उधर क्योंकि यार कम से कम बंदा फाल से ही खा ले। तो इस तरह आज हम 3 बाल्टी डाले थे, कल हमने 2 डाली थी। चल डाल जा इधर। तो खैर पानी हमने डाल लिया है, मेरा दिल नहीं था टर्बाइन पे नहाने का, लेकिन पूरे दिन गर्मी में बैठने के बावजूद बहुत गर्मी लग रही है, तो मैं जल्दी से टर्बाइन में नहा लेता हूँ इससे पहले कि लाइट चली जाए। खैर हमने नहा लिया ठंडे ठंडे पानी से और अब जाते हैं घर क्योंकि अब टाइम हो रहा है 4:30 का और मैंने परिंदों का पानी भी नहीं चेंज किया, हो सकता है वो ख़त्म हो गया हो। तो जाके देखना भी है कि परिंदों ने बाजरी खाई या नहीं खाई। तो ये फालसों का जो पौधा है इसे अभी पानी नहीं देंगे, 3 बाल्टियाँ दे दी हैं, अभी गीला पड़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं इसी तरह इसे 10 से 1 दिन पानी देता रहा तो मुझे यकीन है 1-1.5 हफ्ते के अंदर ये पक जाएंगे। तो खैर अब चलते हैं हम घर और दुआ करते हैं कि बिजली हो घर, गर्मी ना हो। तो आप चलते हैं घर और जाके परिंदों का पानी बदलते हैं। फाइनली हम छत पे आ गए थे, हमने पानी लिया था और पानी जल्दी से उसमें डाल दिया था, पानी ख़त्म हुआ पड़ा था, थोड़ा सा पड़ा था। चिड़ियाँ वगैरह बैठी थी, अब उड़ के उस तरफ चली गई हैं। तो ऊपर गर्मी बहुत है और लाइट अब भी नहीं आई, सुबह की गई हुई है, अभी तक लाइट नहीं आई, पसीना आ गया है, हालांकि ठंडे पानी से नहा के आए हैं। तो चलते हैं नीचे। घर गर्मी बहुत ही थी, घर बैठा नहीं गया, तो हम आ गए, हमने सुबह का नाश्ता नहीं किया, बस ये वीडियो के अपलोडिंग के चक्कर में हम भूखे बैठे रहे और फ़ोन डेड हो गया, तो दोस्त के घर जाके फ़ोन चार्ज कर लिया। तो उसके बाद अब हम आ गए हैं बाहर आने के बाद हमें लगी हुई थी भूख, तो हमने दोबारा से शेखपुरी पर आ गए हैं। और शेखपुरी पर आने के बाद हमने यहाँ से ऑर्डर किए हैं दही भल्ले, क्योंकि इनके दही भल्ले पूरे मैच में मशहूर हैं, तो जल्दी से खाते हैं इनके दही भल्ले।
वाले मिलते हैं, लेकिन जो इनका टेस्ट है ना वो टेस्ट किसी का भी नहीं होता। क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया तो हमें भूख ज़्यादा लगी हुई थी, तो हमने जब दही भल्ले खाए, दही भल्ले के अंदर मसाला तेज़ था, उसकी वजह से बहुत मिर्चें लग गई हैं। तो अब हमने ऑर्डर किया एक फालूदा और ठंडा ठंडा फालूदा खाते हैं। तो खैर, हमने जो फालूदा ऑर्डर किया था फालूदा आ गया है, अब जल्दी से फालूदा खा लेते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मिर्चें लगी हुई हैं। हम शकूरी से वापस घर आ चुके हैं और घर आके जब हमने देखा, तो जब मैं दोस्त के घर गया, दोस्त के घर जब मैंने बैटरी फ़ोन चार्जिंग पे लगाया नहाने के बाद, तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो मुझे लगा 75% हो गया है चार्ज, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 15% था। वो वन ज़रा यूँ होता है तो उसकी वजह से मुझे लगा 75% है। तो खैर 15% थी, तो बैटरी की फ़ोन की बैटरी अब बहुत लो हो चुकी है, 5% पे आ गई है। तो फिर हम वापस आ गए घर की छत पे, अभी तक लाइट नहीं आई। वो सामने आप देख रहे होंगे, आपको शायद नज़र आए कि सूरज अब ग़ुरूब हो रहा है, सूरज अब ग़ुरूब हो रहा है और अभी तक लाइट नहीं आई। सुबह की गई हुई है लाइट, बड़ी आधा दिन तो आज गुजर गया सिर्फ वीडियो अपलोड करते करते, और बाकी का जो आधा दिन बचा उसमें तो वैसे ही लाइट नहीं थी, और फिर जाके फ़ोन चार्ज किया और थोड़ा सा व्लॉग बनाया आज। तो खैर आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।